एवरीबडी यू फाइट इज नॉट योर एनिमी एंड एवरीबडी दैट हेल्प्स यू इज नॉट योर फ्रेंड। ये डायलॉग है हॉलीवुड हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट मूवीज में से एक मूवी जिसका नाम है द गॉडफादर। हेलो गाइज, मैं कोमल यादव स्वागत करती हूँ आपका पीटीएस के रिव्यूज में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ग्रेटेस्ट मूवी के बारे में जिसका नाम है गॉडफादर। गॉडफादर मूवी को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आईएमडीबी पे 9.2 की रेटिंग के साथ ये मूवी टॉप 2 में अपनी जगह बनाने में आज भी कामयाब है। इसे 1972 में रिलीज़ किया गया था। क्राइम ड्रामा थीम बेस्ड ये मूवी द गॉडफादर एक नॉवल पर बेस्ड है। बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। फिल्म शुरू होती है सन 1945 में न्यूयॉर्क से, जहाँ बोनासीरा नाम का एक आदमी विटो कोर्लियोनी के ऑफिस में बैठा होता है। विटो कोर्लियोनी गॉडफादर के नाम से फेमस होता है। बोनासीरा विटो को बताता है कि मेरी एक बेटी है जिसका एक बॉयफ्रेंड था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो उसे पार्टी के बहाने अपने दोस्तों के पास लेकर गया, उसे ड्रिंक कराया और उसका रेप कराने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी ने सरेंडर नहीं किया। वो रेप से तो बच गई लेकिन उन लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। जब मैं हॉस्पिटल में अपनी बेटी से मिलने पहुंचा तो उसकी बहुत बुरी हालत थी। उसका जबड़ा तक टूटा हुआ था, वो रो भी नहीं पा रही थी और मैं उसकी हालत नहीं देख पाया। मैं पुलिस के पास गया लेकिन वो मुजरिम बच गए। जज ने फैसला उन्हीं की तरफ किया था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। वो मुजरिम अपनी जीत पर हंस रहे थे। बोनासीरा गॉडफादर से आगे कहता है, अब मुझे इंसाफ चाहिए। गॉडफादर बोनासीरा को बहुत पहले से जानते थे कि वो बहुत अमीर आदमी था। गॉडफादर बोनासीरा को आगे कहते हैं, तुम्हारा धंधा चल पड़ा था अमेरिका में, इसलिए पुलिस वाले और जज सब तुम्हारी साइड हो गए थे। तुमने कभी मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा, ना कभी मेरी इज्जत की, ना कभी मुझे गॉडफादर माना। तो तुम पहले अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाते तो आज जो तुम्हारी बेटी का हाल करने वाले हैं वो तड़प रहे होते। बोनासीरा ये सुनते ही गॉडफादर का हाथ चूम लेता है और उन्हें गॉडफादर कह के बुलाता है। कहता है, मेरी मदद कर दीजिए। गॉडफादर कहते हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा, ये मेरी बेटी की शादी का तोहफा समझ लेना। एक्चुअल में आज ही गॉडफादर की बेटी की शादी है। गॉडफादर बाहर शादी का फंक्शन अटेंड करने पहुंचते हैं। गॉडफादर की फैमिली में उनके 3 बेटे और 1 बेटी है। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम सोनी, बीच वाले बेटे का नाम फ्रीडो और सबसे छोटे वाले बेटे का नाम माइकल होता है। उनकी एक बेटी भी होती है जिनका नाम कॉन्स्टेसिया होता है। इसके अलावा उनका एक गोद लिया हुआ बेटा होता है जिसका नाम टॉम हेगन होता है। तभी फंक्शन में एक सेलिब्रिटी आता है जिसका नाम जॉनी होता है। जॉनी भी गॉडफादर का गॉडसन है, यानी कि जॉनी जो भी आज है अपनी लाइफ में वो सब गॉडफादर की मेहरबानी से है। वो गॉडफादर को बहुत मानता है। जॉनी गॉडफादर से मिलता है और उन्हें बताता है कि उसका करियर बिल्कुल लगभग ख़त्म ही हो चुका है। हॉलीवुड में एक जाने माने डायरेक्टर एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं, अगर वो प्रोजेक्ट उसे मिल जाता है तो वो फिर से कामयाब हो जाएगा। गॉडफादर कहते हैं, मैं डायरेक्टर को एक ऐसा ऑफर दूंगा कि वो तुम्हें मना ही नहीं करेगा। उसके बाद गॉडफादर की बेटी की शादी का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। गॉडफादर अपने अडॉप्टेड सन टॉम हेगन को हॉलीवुड डायरेक्टर से मिलने भेजता है। एक्चुअल में टॉम हेगन एक लॉयर भी है। डायरेक्टर टॉम हेगन को मना कर देता है कि वो नहीं डरता किसी गॉडफादर से। अगले दिन जैसे ही वो डायरेक्टर सो के उठता है, उसे अपने फेवरेट और एक्सपेंसिव हॉर्स का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। वो डर जाता है और जॉनी को फिल्म में रोल दे देता है। कहानी में आगे टॉम हेगन गॉडफादर के पास जाके उसे बताता है कि उसे स्लोजो नाम का एक आदमी मिलना चाहता है। स्लोजो ड्रग्स के काम में गॉडफादर की हेल्प चाहता था। इसके बदले वो अच्छा खासा हिस्सा गॉडफादर को देने को भी तैयार था। गॉडफादर और स्लोजो की मीटिंग होती है। गॉडफादर स्लोजो के कुछ हिडन इंटेंशंस को देखकर सेंस कर लेता है और ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद गॉडफादर अपने भरोसेमंद और डेंजरस साथी लुका ब्रोसी को बुलाते हैं और स्लोजो के हिडन इंटेंशन को जानने के लिए कहता है। लुका ब्रोसी स्लोजो के पास जाता है। स्लोजो के साथ टैगलिया नाम का एक पर्सन भी वहाँ होता है। वो दोनों लुका ब्रोसी को अपने काम के लिए कहते हैं। लुका ब्रोसी गॉडफादर के लिए बहुत लॉयल था तो वो स्लोजो के ऑफर को मना कर देते हैं।
स्लोजो उसका वही गला दबाकर मार देता है। इसके बाद स्लोजो गॉडफादर के अडॉप्टेड बेटे टॉम हेगन को किडनैप कर लेते हैं, और जब गॉडफादर और उनके छोटे बेटे फ्रूडो बाहर फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तब स्लोजो उन्हें गोली मार देता है। फ्रूडो बच जाता है क्योंकि उन्होंने फ्रूडो पर गोलियां नहीं चलाई थी, लेकिन गॉडफादर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। उन्होंने अपने भरोसेमंद साथी को भी खो दिया था और अब वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे थे। अब गॉडफादर के पूरे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बेटे सोनी के ऊपर होती है। दूसरी तरफ गॉडफादर के सबसे छोटे बेटे माइकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं तो गर्लफ्रेंड की नज़र न्यूज़पेपर पर पड़ती है जहाँ गॉडफादर के घायल होने की खबर थी। माइकल सोनी को कॉल करता है। सोनी गॉडफादर के सीरियस होने की बात कहता है और माइकल को घर बुलाता है कि माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। माइकल घर वापस आता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम हेगन अभी भी स्लोजो के पास किडनैप है। स्लोजो से कहता है कि तुम गॉडफादर की बात कर रहे हो, गॉडफादर मर चुके हैं और तुम सोनी के साथ मिलकर मेरी डील फाइनल कराओ क्योंकि मेरे साथ टटैगलिया खानदान है जो कि बहुत ही डेंजरस और पावरफुल खानदान है। टॉम को छोड़ दिया जाता है और वो घर जाता है, सोनी से मिलता है, ऑफर बताता है, सोनी मना कर देता है। सोनी माइकल को लूका ब्रासी से मिलने के लिए कहता है और उसे कॉल मिलाने के लिए कहता है। तभी एक पार्सल आता है जिसमें दो मछलियां मरी हुई मिलती है। ये इंडिकेशन था कि लूका ब्रासी को मार दिया गया है और उसे समुन्द्र में फेंक दिया गया है। इस बात से सोनी और माइकल टूट जाते हैं। दूसरी तरफ स्लोजो माइकल से मिलना चाहता है। माइकल टॉम और सोनी से मिलके स्लोजो के साथ होने वाली मीटिंग के बारे में बताता है। सोनी गुस्से में होता है और चाहता है कि वो स्लोजो के राइट हैंड को भी मरवा दे। टॉम हेगन कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो न्यूयॉर्क की सारी पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। तभी माइकल स्लोजो से मिलने जाता है। अब माइकल की मीटिंग होती है स्लोजो के साथ। माइकल के पास कोई भी गन नहीं होती है, फिर भी उसकी तलाशी ली जाती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। स्लोजो अपने बिजनेस का प्रस्ताव रखता है। माइकल गारंटी मांगता है कि मेरे पिता पर कोई हमला नहीं करेगा। बात करते हुए माइकल वॉशरूम जाने की बात कहता है। स्लोजो फिर से माइकल की तलाशी लेता है लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन गन तो वॉशरूम के अंदर थी, इसलिए माइकल को कोई चिंता नहीं थी। गन लेकर वो वापस जब आता है तो बाहर आते ही स्लोजो और उसके साथी को मारकर अपने पिता का बदला पूरा करता है। माइकल कभी भी गॉडफादर के बिजनेस में नहीं आना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे हुए कि उसे भी अपने पिता के बिजनेस में आना पड़ा और अपने पिता के बदले को पूरा करना पड़ा। स्लोजो की डेथ की न्यूज़ हर न्यूज़पेपर में होती है। इसी बीच गॉडफादर हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं ठीक होकर। माइकल की जान को खतरा होने की वजह से गॉडफादर उसे सिजली भेज देते हैं और बीच वाले भाई फ्रेडो को लॉस वेगस भेज दिया जाता है। माइकल को सिजली में एक लड़की पसंद आ जाती है और वो उसी से शादी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ गॉडफादर की बेटी जिसका कुछ टाइम पहले शादी हुई थी उसे उसका पति मार रहा होता है। तभी गॉडफादर का बेटा सोनी वहाँ पहुँचता है और वो अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर आग बबूला हो जाता है और वो उसके पति कार्लो को बहुत बुरी तरह से मारता है। उसे जान से मारने की धमकी देता है लेकिन कार्लो अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। वो कैनेस्थेसिया को फिर मारता है। सोनी को पता चलता है और वो गुस्से में कार्लो को मारने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में कुछ लोग सोनी को मार देते हैं। माइकल को पता चलता है, वो बहुत दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ वापस आने की तैयारी करता है। माइकल के दो बॉडीगार्ड होते हैं साथ में। माइकल की वाइफ गाड़ी में बैठकर माइकल के आने का वेट कर रही होती है। तभी कार में बम ब्लास्ट होता है और अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। तभी कुछ टाइम बाद अंडरवर्ल्ड की मीटिंग होती है और गॉडफादर अपने इन लॉस से परेशान होकर कहता है, आपसी लड़ाई में कुछ नहीं मिलेगा, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने सिर्फ एक काम के लिए मना किया था, वो था ड्रग्स का धंधा, क्योंकि ड्रग्स का धंधा हमारी आने वाली पीढ़ी को खोखला कर रहा है और जिस पुलिस और जिस प्रशासन की हमें हेल्प मिलती है हमारे कार्य को ढकने के लिए, ड्रग्स का धंधा करने के बाद हमें वो सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। एक्चुअली गॉडफादर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो सबकी मदद करते थे, जो इंसानियत पर विश्वास रखते थे, दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं। वो नहीं चाहते थे कि ड्रग्स की वजह आगे की पीढ़ी नष्ट हो जाए और ड्रग्स का कारोबार उनके धर्म के भी खिलाफ था। लेकिन अंडरवर्ल्ड ये बात नहीं माना और गॉडफादर को उनकी बात माननी पड़ी। अब माइकल को एक साल हो जाता है अपने पापा के साथ काम करते हुए। तभी वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलता है।
उसे अपने काम के बारे में बताता है और कहता है कि मानता हूँ इलीगल है, लेकिन 5 साल में अपने पिता के इलीगल काम को मैं पूरी तरह से लीगल कर दूंगा, मुझ पर विश्वास करो। और माइकल अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। 1950 तक माइकल के 2 बच्चे हो जाते हैं। अब गॉडफादर बहुत ही कमजोर और बुजुर्ग हो चुके हैं, तो सारे फैसले माइकल लेता है। वो अपने पिता यानी गॉडफादर को अपना एडवाइजर बनाता है और टॉम हेगन, जो कि गॉडफादर का अडॉप्टेड बेटा होता है, उसे लॉस वेगस भेज दिया जाता है और वहाँ का लॉयर बना दिया जाता है। माइकल एक बार लॉस वेगस जाता है और वहाँ उसका भाई फ्रेडो भी था, जो कि वहाँ ग्रीन नामक एक आदमी के साथ होटल में रहता था। माइकल को वो होटल खरीदना था, ग्रीन मना कर देता है। माइकल अपने किए एहसान गिनवाता है और फिर ग्रीन को कहता है कि मैंने तुम्हारा बिजनेस सेट करने में हेल्प की थी, मगर ग्रीन फिर भी नहीं मानता है और वो चला जाता है। माइकल जॉनी से मिलता है, जो कि वही सेलिब्रिटी था जिसकी हेल्प गॉडफादर ने की थी एक डायरेक्टर से मूवी दिलवाने में। माइकल जॉनी को साल में 5 बार खुद और अपने साथी सेलिब्रिटी के साथ होटल विजिट करने के लिए कहता है, ताकि होटल का धंधा अच्छा चलता रहे। जॉनी मान जाता है। इसके बाद गॉडफादर और माइकल मिलते हैं। गॉडफादर माइकल से बात कर रहा होता है, तभी गॉडफादर कहते हैं, ब्राजीनी नाम का एक डॉन है जो बहुत ही खतरनाक है, उससे तुम्हें खतरा हो सकता है। जब भी कोई व्यक्ति आए और तुम्हें ब्राजीनी से मीटिंग कराने की बात कहे, तो समझ लेना वही गद्दार है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन गॉडफादर अपने पोते के साथ खेल रहे होते हैं, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो दुनिया से चले जाते हैं। उनकी डेथ के बाद गॉडफादर का एक वफादार कैपो माइकल के पास आता है, ब्राजीनी से मीटिंग फिक्स करने की बात कहता है। माइकल को अपने पिता की बात याद आ जाती है कि जो तुम्हारी मीटिंग ब्राजीनी से फिक्स कराएगा वही गद्दार होगा। माइकल और ब्राजीनी की मीटिंग जिस दिन होती है, उसी दिन माइकल की बहन के बेटे का नामकरण होता है। माइकल अपनी बहन की बेटी का गॉडफादर बनता है। आगे माइकल कार्लो से मिलता है और कहता है, मुझे पता है मेरे भाई को मरवाने में तुम्हारा हाथ है। और वो उससे पूछता है कि ये सब किसने किया। कार्लो मना कर देता है, लेकिन माइकल कहता है कि तुम मेरी बहन के पति हो, मैं तुम्हें नहीं मरवाऊंगा, मुझे सब सच बताओ। वो एक्सेप्ट करता है कि ये सब मैंने ब्राजीनी के कहने पर किया। इसके बाद माइकल कार्लो को मरवा कर घर आ जाता है, तभी उसकी बहन अपने भाई पर इल्ज़ाम लगाने के लिए आती है। माइकल साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे पति को क्यों मारूंगा, मैं तो तुम्हारी बेटे का गॉडफादर बना हूँ। माइकल की वाइफ ये सब सुन रही होती है और वो भी माइकल से पूछती है, क्या ये तुमने किया है। माइकल मना कर देता है, वो सेटिस्फाई हो जाती है और खुश होकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ खाने का। तभी कुछ लोग आते हैं और वो लोग माइकल को डॉन कहते हैं और उसका हाथ चूमते हैं। ये सब माइकल की वाइफ सुन रही होती है और वो समझ जाती है कि अब से न्यू गॉडफादर माइकल है। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। गाइस, फैमिली चाहे डॉन की हो या फिर नॉर्मल इंसान की, फैमिली एक ऐसा बंधन है, एक ऐसी ताकत है जिसके बलबूते पर आप आसमान की ऊंचाइयां भी छूते हो और जिनको ज़रा से भी खरोच आने पर आप बेचैन हो जाते हो और हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो जाते हो। गॉडफादर भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे और माइकल भी अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता था। माइकल ने इलीगल काम को लीगल तरीके से करके गॉडफादर की उपलब्धि पाई। इसी के साथ मूवी ख़त्म हुई। आप लोगों को मूवी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।